नमस्कार, मैं हूं नितिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। क्रिकेट दुनिया का एक ऐसा खेल है जिसकी खुमारी पूरे साल यानी कि 12 महीने चलती रहती है और फैंस चाहते हैं कि उनके प्रिय खिलाड़ी उन्हें मैदान में दिखते रहें। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट के फॉर्मेट में जो फील्डर्स होते हैं, जो ऑलराउंडर्स होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फील्डर आपके लिए एक रन बचाकर मैच जिता सकता है, तो वहीं एक ऑलराउंडर आपके लिए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करकर आपको मैच जिता सकता है। कुछ ऑलराउंडर्स बैटिंग ऑलराउंडर्स होते हैं जैसे कि हार्दिक पांड्या, जिनका मजबूत पक्ष बल्लेबाजी होता है, तो वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं जिनका मजबूत पक्ष गेंदबाजी होता है और बल्लेबाजी भी वो ठीक ठाक करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो विकेट कीपर्स थे और उन्होंने गेंदबाजी करते हुए विकेट्स निकाली हैं। तो ऐसे तीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL में ये कारनामा किया है। तो शुरू करते हैं, पहले खिलाड़ी का नाम है गुरकीरत मान। देखिए, गुरकीरत मान IPL 2022 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा थे, लेकिन उनको मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन साल 2020 में गुरकीरत मान जो थे वो RCB की टीम में शामिल थे और उन्होंने विकेट कीपिंग भी की थी। लेकिन RCB की तरफ से खेलते हुए उन्होंने साल 2015 और 2016 के बीच में कुछ ओवर्स किए जिनमें उन्होंने 5 विकेट चटकाए। तो ये थे गुरकीरत मान पहले खिलाड़ी जिन्होंने विकेट कीपिंग भी की है और जब इनको गेंदबाजी करने का मौका मिला है तो उन्होंने गेंदबाजी कर विकेट्स भी चटकाए हैं। अगले खिलाड़ी का नाम है अंबाती रायडू। देखिए, अंबाती रायडू बहुत ही ज़्यादा सीनियर प्लेयर हैं IPL की अगर बात की जाए। इंटरनेशनल भी इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं काफ़ी मुकाबलों में। IPL में उनके 4000 से ऊपर रन हैं। 4000 से ऊपर रन बनाने वालों की लिस्ट में अंबाती रायडू शामिल हैं और बहुत ही दिग्गज प्लेयर माने जाते हैं। लेकिन अंबाती रायडू के नाम भी ये रिकॉर्ड शामिल है। अंबाती रायडू ने 20 IPL मुकाबलों में कीपिंग की है और कीपिंग करते हुए उन्होंने 15 शिकार उन IPL मैचेस में लिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंबाती रायडू ने साल 2011 में 3 ओवर किए थे और 3 ओवर में उन्होंने 22 रन दिए थे, लेकिन कोई विकेट लेने में वो नाकामयाब रहे थे। तो ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे अंबाती रायडू जिन्होंने IPL में विकेट कीपिंग भी की है और बॉलिंग भी की है, लेकिन विकेट लेने में वो नाकामयाब रहे। और इस लिस्ट में आखिरी खिलाड़ी जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे वो है पूर्व ऑस्ट्रेलियन दिग्गज बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट। जी हाँ, एडम गिलक्रिस्ट दुनिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में शामिल होते थे। अपने ज़माने के बहुत बड़े दिग्गज विकेट कीपर हैं और आज भी विकेट कीपिंग के बारे में जो नए नए प्लेयर्स को वो गुर सिखाते रहते हैं विकेट कीपिंग के और बताते रहते हैं कि किस तरीके से आपको विकेट कीपिंग करनी चाहिए। अपने ज़माने के दिग्गज एक्सप्लोजिव बल्लेबाज और विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने IPL में खेलते हुए 67 शिकार यानी कि 67 डिसमिसल्स अपने विकेट कीपिंग के द्वारा लिए हैं। और वो IPL में अपने आखिरी ओवर में, जब उनका आखिरी मुकाबला था, जब वो संन्यास ले रहे थे, तब उन्होंने सोचा था गेंदबाजी करने का। और जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो मुकाबला खेल रहे थे और अपने पहली ही गेंद पर उन्होंने हरभजन सिंह को आउट कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यानी कि ये तीसरे वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ये विकेट कीपिंग के साथ साथ गेंदबाजी भी की है और गेंदबाजी करते हुए विकेट भी लिया है। तो ये था वो रोचक फैक्ट जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए लाइक भी करें। अगर आपको ये रोचक तथ्य पसंद आए हों तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक कर अपना प्यार देना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।